तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं आज अपने गांव, हम जा रहे हैं खेतों में अपने, आज फिर एक बार हम अपने खेत में जा रहे हैं। तो ये धीरेंद्र जी हैं, धीरेंद्र सिंह जी हमारे वेरिना फाउंडेशन के चेयरमैन साहब, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ आज गांव में। मोनू है, छोटे भाई राजू भाई है, तो हम लोग मूवी है साथ में, तो हम आज खेतों में जंगल में जा रहे हैं। कुछ हमारे चेयरमैन साहब कुछ अपना प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं इनको दिखाने आया हूँ कुछ चीज। तो ये कुछ अपना यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाह रहे हैं, तो आप मैं थोड़ा सा इन्हीं से पूछ लेता हूँ। तो धीरेंद्र जी, आप क्या ऐसा यहाँ करना चाह रहे हैं, जो आप इतनी दूर गांव में आए हैं, क्यों आपको ये खींच लाई है यहाँ की धरती? जी, भारत जो हमारा देश है वो गांवों में ही बसता है। सारी दुनिया घूमने के बाद मैंने सोचा कि असल भारत जो है, जो हमारे गांव हैं, खलिहान हैं, उसमें थोड़ा समय बिताया जाए। तो प्रोजेक्ट बैक टू विलेज हम शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी छोटा सा फार्म हाउस हो, आम का बाग हो, तो जो भी यहाँ के फार्मर्स हैं उनका अपनी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और जो भी एक्सपीरियंस हमें है वो उनके साथ साझा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी आय दुगनी हो जाए और देश में नहीं पूरे विश्व में भगवानपुर का किसान धीरेंद्र जी अभी आप आगे बढ़ जाए। धीरेंद्र जी, आप अभी ओपन तो करोगे नहीं कि आप क्या यहाँ प्रोजेक्ट स्थापित करना चाह रहे हैं, अभी तो वो आपने सिर्फ देखना चाह रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई मोनू हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये मोनू भाई हैं, ये आप इनको दिखा रहे हैं यहाँ की जगह जहाँ ये ऑन द वे हो रहा है ना, कि पता लगा वैसे भी अपना बाहुबल भी तो ऐसी है, तो खटीक बिरादरी है, पर भाई इधर ही चलियो सामने, वहां चलेंगे अपने सामने। मैं तो पीछे लगा रहा हूं। तो गाइस, हम लोग चलते चलते अब जा रहे हैं गंगा जी की तरफ। तो बोलो गंगा मैया की जय। ये मेरे धीरेंद्र जी हैं, हमारे वेरिना फाउंडेशन के चेयरमैन। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इनको फोकस कर रहा हूँ, आप इसका कुछ कारण समझिए। जी जी जी। तो मैं इन्हें गंगा जी में शुद्ध कराने के लिए लाया हूँ। ये शुद्ध नहीं, आपने गलत शब्दों का चयन किया, तो आप बता दीजिए। हम कुछ भी पवित्र काम करने से पहले गंगा मैया के दर पे जाके मत्था टेकेंगे, और जो भी हमसे कभी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसको शुद्ध करके आगे कोशिश करेंगे कि कभी कोई गलती और पाप हमसे ना हो पाए। तो डियर फ्रेंड्स, देखो अब हम लोग आ गए हैं गंगा जी के दर पर, गंगा जी के घाट पर बोलते हैं। तो बड़ा ही मजा आ रहा है, हालांकि हम लोग अभी आए हैं घर से। बेहतरीन, स्पीच अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। सुन स्पीच तो अच्छी है। क्यों राजू भाई, मजा नहीं आ रहा? मजे देखो भैया, ऑफ रोडिंग तो मैं भी धुआं। देखिएगा जानवर, देखो भैया, हम गंगा जी के घाट पर आ चुके हैं। बस आपको एरिया गंगा जी ने काट रखा है, तो बताया जा रहा है कि लेफ्ट लेना है। अब देखिए, तो अभी ये देखो क्या मजा आ रहा है। ये विदेश का मजा हम लोग सैलानी की तरह यहाँ ले रहे हैं गंगा जी के दर पर, घाट पर। देखिए, बड़ा मजा आ रहा है, इसको देखिए, इतना अद्भुत नजारा है, इतना अद्भुत नजारा है। वाह, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे भी तो मनाओ यार, तेरी धरती तो नहीं चाहिए खेत। चलो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, तो गाइस देखो हम लोग आ गए हैं, हम लोग आ गए हम लोग गंगा जी के घाट पर। कितना अच्छा खुद नजारा है, देखो हम लोग एडवेंचर लेने यहाँ पर लोग आए हैं हम लोग। ये सब इतना गंगा जी, आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ। आइए, ये धीरेंद्र जी है, पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं। हाय धीरेंद्र जी, कैसा मजा आ रहा है? ड्रे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हम फिर से आ गए हैं गंगा जी के घाट पर। आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है बड़ का पेड़, जो गंगा जी उधर चलती थी। ये कम 100-150 साल पुराना बड़ का पेड़ है, जो गंगा जी ने अपनी धार में बहा दिया था इसको। बहुत गहरा ये पानी है,
आज हम लोग आए हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। दिन में फ्री थे तो चल रहे हैं कि वहाँ का चलो गांव चलते हैं। तो गांव से निकलते निकलते हम लोग आ गए हैं अब गंगा जी। तो ये गंगा जी नाव देख रहे हो, ये नाव जो है उधर से पार होके ये इधर आएगी, इधर से ये गाड़ी जाएगी। आप देखो मेरे पीछे मेरी गाड़ी है थार। अब हम थार को इस नाव से उधर पार करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग बड़ा ही इंजॉय आ रहा है। आज हम आए हैं गंगा जी अपने गांव से 1 किलोमीटर हमारे से आगे पड़ती है गंगा जी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जहां जहां हम जाते हैं बताता हूं। ये देखो धीरेंद्र जी, कितना शुद्ध पानी गंगा जी का। ये देखिए क्या है, जंगल में कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं। तो गाइस हम लोग पोल्ट्री फार्म अपना हम रेडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बनेगा। तो मैं धीरेंद्र जी को लेकर आया हूँ जो गैरीना फाउंडेशन के चेयरमैन है। आइए इनसे बात करें। नमस्कार नमस्कार। आज आए हम लोग गांव में, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। तो आप हम क्या करने आए आज गांव में, तो ये बताएंगे आपको थोड़ा सा। मैं तो गांव का भ्रमण करने आया हूँ, बहुत साल हो गए थे गांव आने का मौका नहीं मिला था। तो भैया का एक गांव है भगवानपुर। तो गांव को घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और हवा का आनंद उठा रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो गाइस हम लोग आज अपने गांव भगवानपुर में आए हैं। ये हमारे धीरेंद्र सिंह जी हैं जो वेरिना फाउंडेशन चलाते हैं एनजीओ। मैंने वीडियो में भी आपको कई बार दिखाया है। तो गाइस ये है पोल्ट्री फार्म। आज हम लोग देखना है पोल्ट्री फार्म गांव में कैसे ये रन करता है, कैसे चलता है, कैसे कैसे इसमें डेवलप होता है। तो गाइस हम लोग दिखाएंगे अभी पूरा। तो इन्होंने पोल्ट्री फार्म खोला है, मुर्गी फार्म हम बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा ही मुर्गी फार्म है।